दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन में एक नया गूगल अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो नया गूगल अकाउंट बनाने के लिए यहां पे बेसिकली आपको एक जीमेल आईडी बनाना होगा, या फिर यूं कहें कि एक ईमेल आईडी बनाना होगा, इसका की डोमेन होता है @gmail.com। गूगल अकाउंट बनाने के लिए बस आपको कुछ बेसिक डिटेल इंटर करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं होने वाली है। अगर मोबाइल नंबर है तो आप ऐड कर सकते हो। इससे आप अपने गूगल अकाउंट को भूलने के बाद, उसका पासवर्ड भी भूलने के बाद कभी भी रिकवर कर सकते हो। तो चलिए अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे नया गूगल अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जीमेल ऐप ओपन कर लोगे। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ जीमेल आईडी का प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी गूगल अकाउंट एडेड हैं उसका लिस्ट मिल जाता है। अभी मेरे मोबाइल में 2 गूगल अकाउंट यानी कि 2 जीमेल आईडी बना हुआ है। और जब भी आप गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी बनाते हो तो हर गूगल अकाउंट के साथ 15 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस 15 GB क्लाउड स्टोरेज को ही यूज किया जाता है जीमेल ऐप द्वारा ईमेल रिसीव करने के लिए। गूगल फोटोज के माध्यम से फोटोज और वीडियोज का बैकअप कर सकते हो। गूगल ड्राइव के माध्यम से इस स्पेस में आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो नया गूगल अकाउंट बनाने के लिए एड अनदर अकाउंट ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। एड अनदर अकाउंट पे टैप करने के बाद यहाँ पे गूगल दिखाई देगा गूगल अकाउंट बनाने के लिए, इस पे टैप करना है। अब यहाँ पे साइन इन का पेज ओपन हो जाता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई जीमेल आईडी यानी कि गूगल अकाउंट बना हुआ होता है तो वो यहाँ पे आप इंटर करके, नेक्स्ट करके, उसका पासवर्ड भी इंटर करके लॉग इन कर सकते हो, साइन इन कर सकते हो। तो चूंकि आपको नया गूगल अकाउंट बनाना है तो क्रिएट अकाउंट, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, आप पर्सनल यूज के लिए बना सकते हो, बाकी वर्क या फिर बिजनेस के लिए बना सकते हो। पर्सनल यूज के लिए गूगल अकाउंट बनाने के लिए फॉर पर्सनल यूज, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और सरनेम इंटर कर देना है। सरनेम ऑप्शनल है, आप इसे इंटर नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है अपना गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के नीचे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर इंटर करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना डे, मंथ, ईयर इंटर कर दोगे, जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पे आपको जीमेल आईडी बनाने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप एक ईमेल आईडी बनाओगे जिसका कि डोमेन होगा @gmail.com। तो @gmail.com से पहले आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा। जो भी आप यूजर नेम बनाओगे उसके साथ @gmail.com लगा के आपका पूरा ईमेल आईडी बनता है। तो यहाँ पे जो आप यूजर नेम बनाओगे वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का बनाना होता है। यूजर नेम में लेटर्स, नंबर्स और फुल स्टॉप ही यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी और यूज नहीं कर सकते। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स ऐड करके, फुल स्टॉप ऐड करके एक यूनिक सा जीमेल आईडी क्रिएट कर लोगे इंटर करके। अगर आप यूनिक सा यूजर नेम इंटर नहीं करते हो तो दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, इस टाइप का एरर दिखाई देगा। तो आपको यूनिक बना लेना है और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने। पासवर्ड में आप लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स यूज कर सकते हो। तो पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट इन्फो रिव्यू कर लेना है, यानी कि आपने जो भी नाम इंटर किया है वो दिख जाता है और जो भी जीमेल आईडी बनाने के लिए इंटर किया है वो दिख जाता है, और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है उसे भी आपको याद रखना है। यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अब गूगल का प्राइवेसी एंड टर्म्स दिखाई देगा, आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे टैप कर लेना है। इस तरीके से आपका गूगल अकाउंट बन जाता है और आपके मोबाइल में ऐड भी हो जाता है। यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप वापस से प्रोफाइल के ऊपर टैप करोगे और यहाँ पे आपको नया बना हुआ जीमेल आईडी गूगल अकाउंट सबसे लास्ट में दिखाई दे देगा। आप इस पे टैप करके गूगल अकाउंट को स्विच कर सकते हो और जो भी आप ईमेल रिसीव करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप कभी भी अपने गूगल अकाउंट को इस पे टैप करके यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल अकाउंट के ऊपर टैप करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फो में जा करके आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, जैसे कि अपना फोटो लगा सकते हो गूगल अकाउंट के लिए, कभी भी नाम चेंज कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करना है। कॉन्टैक्ट इन्फो में यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर यानी कि रिकवरी मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप रिकवरी जीमेल आईडी भी, दूसरा जीमेल आईडी ऐड कर सकते हो। तो ये आपको ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में अकाउंट भूल जाते हो, जीमेल आईडी भूल जाते हो, उसका पासवर्ड भी भूल जाते हो, तो रिकवरी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही अकाउंट को रिकवर कर सकते हो।